तो दोस्तों आज मैं बनाऊंगी बंगाल की बड़ी फेमस रेसिपी लाउ चिंगड़ी। मैंने प्रॉन को प्रोसेस कर लिया, फिर उस थोड़ी सी तेल में उसका अच्छे से भून लिया। अच्छे से नहीं, थोड़ा ही भूनी है, हाँ ज़्यादा मत भूनी है, फिर स्टीप हो जाएगी। अब फिर थोड़ा सा एक चम्मच तेल डाल दिया, उसमें डाला थोड़ा दालचीनी और पंचफोटन। अब जीरा भी, साबुत जीरा भी डाल सकते हो, ठीक है। उसमें दो तेज पत्ता भी डालिए और उसके बाद थोड़ा सा उसको चला लीजिए। चलाने के बाद वो जब थोड़ा सा भुन जाए तो वहाँ पर डालिए आप कच्चा मिर्च, हरी मिर्च थोड़ा सा डालिए और अदरक कूट के डालिए। अदरक आप ग्रेट करके भी डाल सकते हो। देखिए मैं तो ग्रेट करके ही डालती हूँ, ताकि वो तो जब तेल में भुनेगी तब तो वो इवन हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो आप ग्रेट करके भी डाल सकते हो। फिर डालिए 5-6 कच्ची मिर्च और 2 टमाटर काट के, ये आपके टेस्ट के अनुसार डालिए। आप जितना चाहो उतना ही डालिए, जितना आपको पसंद हो उतना ही डालिए। उसके बाद फिर उस जब अच्छा से ये सारे थोड़ा नरम हो जाए, पानी छोड़ दे टमाटर, उसके बाद डालिए आपका जो लाव होता है ना, लौकी होता है ना, उसको बारीक से काट के रखी थी उसको मैंने डाल दी। उसको बारीक से कटी हुई लौकी को डालने के बाद उस थोड़ा सा नमक डालिए और उसको थोड़ा सा चलाना है। हल्दी भी डालिए, थोड़ा सा हल्दी भी डाल दीजिए। उसके बाद सारा को थोड़ा सा चलाइए। थोड़े देर चलाने से ये पानी छूटने लगेगा, तो इसको आराम से आप चलाते रहिए। बस 5 मिनट ही चलाइए, कोई बात नहीं। उसके बाद इसको ज़रा सा वो जो प्रॉन रखे थे प्रॉन को ऊपर से डाल दीजिए, ठीक है। अब प्रॉन डालने के बाद थोड़ा सा मिला लीजिए, उसको ऊपर नीचे करके थोड़ा सा मिला लीजिए। अब सारे जब ऐसे थोड़ा सा घुल मिल जाए, जब अपने में दोस्ती कर ले, ज़रा सा घुल मिल जाए, तो उसको आप ढक दीजिए। अब देखिए पानी सूखने, अंदर अंदर पानी सूखने लगेगा और वो हो जाएगा, मतलब करी बन के रहेगा। अब उसको देखिए डालिए, सूखने के करी जब पूरा इवन हो जाएगा उसको डाल आप कटोरे में डालना, निकाल दीजिए। निकालने के तो देखिए ये आपका बन गया है बंगाली फेमस रेसिपी लाउ चिंगड़ी, ठीक है। ये हम लोग का बंगाल का बहुत ही एक फेमस रेसिपी है और बिना झंझट से, बिना तेल से बनता है। और भी एक बात है, आजकल तो सबको मसाला और तेल से परहेज होता है, तो इसमें ना तो कुछ मसाला डालना है ना आपको कुछ मतलब तेल का ज़्यादा है। आपने देखा है ना, मैंने बस 1 ही चम्मच तेल डाली थी पहले, बस वही है। ऊपर से आप थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल सकते हो, थोड़ा नारियल का बुरादा भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आपका बन गया है बंगाल की फेमस लाव चिंगड़ी, हम तो इसे बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप खुद भी बनाइए, बहुत ईजी है। आप बैचलर हो तो भी बना सकते हो, है ना, बहुत ईजी है। इसको गर्म भात के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए।